ये है सुखी रेखा, जो इसे पार करेगा उसे मेरे हिसाब से रहना होगा, और जो मेरे हिसाब से नहीं रह सकता वो इस घर की चौखट के बाहर ही रहे। तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगी, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगी। तो मिलाओ हाथ आसमा के खिलाफ। कलेश चैनल पर आ रहे सीरियल उड़ारिया के आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है बड़ा ट्विस्ट। जिस तरीके से कलेश चैनल पर आ रहे सीरियल उड़ारिया में आसमा और अरमान के बीच की नजदीकियां बढ़ रही है, तो ऐसे में फाइनली फिलहाल के लिए अगर मैं कहूं तो आलिया जो है अभी इनके पास नहीं है, और ऐसे में अरमान और आसमा के बीच की नजदीकियां बढ़ रही है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, ये दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से पेश आ रहे हैं। आलिया की वजह से बहुत सारी दिक्कतें हुई जो कि हम सभी ने देखी। आपने मुझे 2 किलो प्याज भी दे जी, आप मुझे भी डालना 2 किलो, अलग डालना। लग तो आप साथ रहे हो, फिर प्याज अलग क्यों? अच्छा ना, लग तो आप भी समझदार रहे हो, फिर बातें बेवकूफ वाली क्यों कर रहे हो? लगने लगाने से कुछ नहीं होता। आप प्याज 2-5 किलो डालो। भैया ये बैंगन सारे सड़े हुए, फ्रेश बैंगन नहीं आपके पास? बैंगन तो मेरे बगैर खरीदे नहीं जा रहे, बस बातें करा ले कोई इनसे बड़ी बड़ी। क्या हो गया, इसे सड़े हुए बैंगन जैसी शक्ल क्यों बना रखी है? क्योंकि आई लाइक सड़े हुए बैंगन। वेल, अब आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखने वाले हैं कि किस तरीके से आलिया आसमा के दुश्मनों के साथ प्लान बनाएगी। आसमा के दुश्मन कौन थे जिनको हाल ही में आसमा ने पुलिस थाने पहुंचवाया, जेल पहुंचवाया? कुछ लोग बाहर आ चुके हैं, कुछ लोग जेल में ही हैं, और ऐसे में जो लोग बाहर आ गए हैं, खासतौर से वो लड़की जो कि झूठ बोल रही थी आसमा से कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरी मदद करो एंड ऑल दैट, तो वो लड़की आलिया के साथ हाथ मिला रही है। आलिया के साथ हाथ इसलिए मिला रही है ताकि दोनों का, क्योंकि मोटिव तो एक ही है, आसमा को खत्म करना, तो यहाँ पर ये दोनों साथ में मिलकर आसमा को मारने की प्लानिंग कर रही है। सो आने वाले एपिसोड में आपको यही देखने को मिलेगा कि आसमा की जान को बहुत बड़ा खतरा है, आसमा का बचना मुश्किल है। दूसरी तरफ सुखी ने घर के बीच में एक रेखा खींच दी है जहां पर एक तरफ मर्द और एक तरफ औरत, कोई भी इस रेखा को पार नहीं करेगा, ऐसा सुखी ने कहा है। वेल, आपकी क्या है राय कमेंट सेक्शन में बताइए, और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।